जिला अस्पताल में अग्निशमन अधिकारी ने परखे सुरक्षा के इंतजाम। जिला बागला अस्पताल में अग्निशमन विभाग के अधिकारी और जिला अस्पताल के सीएमएस ने अस्पताल परिसर में फायर सेफ्टी के इंतजामों को देखा। दोनों अस्पतालों में फायर फाइटिंग सिस्टम को चेक किया। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि जिला अस्पताल में जिस कार्यदायी संस्था ने फायर सिस्टम का कार्य पूर्ण किया है उन्हें निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया था। वहीं अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि महिला चिकित्सालय से सीएमएस और पुरुष चिकित्सालय से सीएमएस के साथ आज फायर सिस्टम चेक किया गया और साथ यही बताया कि ये सारे यंत्र कैसे चलाए जाएंगे, इसके लिए प्रदर्शन व प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही ये बोला गया कि इन सभी यंत्रों को चलाने के लिए एक स्टाफ की नियुक्ति भी की जाए और समय समय पर इनका मेंटेनेंस भी देखा जाए। राज बागला हॉस्पिटल आप आए हैं और फायर टेस्टिंग डॉक्टरों को सिखाई जा रही है, सर क्या क्या सिखाया गया है और कहाँ कहाँ पे आप लोग गए? आज यहाँ संयुक्त जिला चिकित्सालय बागला हाथरस में फायर फाइटिंग व्यवस्था का प्रतिस्थापन किया गया था। आज कार्यदायी संस्था ने हमें आमंत्रण दिया, हमने आकर उनकी पूरी व्यवस्था को टेस्ट किया है। महिला चिकित्सालय से सीएमएस महोदया और पुरुष चिकित्सालय से सीएमएस साहब भी साथ में थे। उनको सारे इक्विपमेंट्स कैसे चलाए जाएंगे इसके बारे में प्रदर्शन और प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें अवगत कराया गया कि इन सब व्यवस्था को चलाने के लिए एक डेडिकेटेड स्टाफ की नियुक्ति जरूर करें और समय समय पर इनको इनका मेंटेनेंस और इनका ध्यान रखा जाए। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।